कोरोना महामारी में मरीजों के लिए भगवान बने डॉक्टरों पर रेप करने का लगा लांछन। यूपी के प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मिर्जापुर जिले से रेफर हुई एक युवती मरीज बेहद गंभीर हालत में बीते 29 मई को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी आंत में इन्फेक्शन था, खून की कमी और ब्लड प्रेशर भी हाई था। उसे बेहतर इलाज की सख्त जरूरत थी। उसका डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, उसे एक यूनिट ब्लड चढ़ाया, फिर जरूरी दवाई भी दी। एक दिन बाद उसकी हालत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। आंत की समस्या के चलते 1 जून की रात उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन करने वाली टीम के कुछ पुरुष डॉक्टरों पर युवती मरीज ने अचेत हालत में रेप जैसे संगीन आरोप लगा दिए। युवती द्वारा कागज में अपनी आपबीती लिखने का वीडियो भी उसके रिश्तेदार भाई ने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग सहित समूचे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। अस्पताल में भर्ती युवती के रिश्ते के भाई का आरोप था कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने उसकी चचेरी बहन के साथ गंदा काम किया है। तो बार बार पेन 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 कर इशारा कर रहे थे कि लिखना है हमें, तो उनको हम कागज पेन पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखे कि हमारे साथ ओटी में गलत काम हुआ है। और ये भी कही है कि हम सबको पहचानते हैं, अगर सामने लाया जाए तो हम पहचान भी सकते हैं। वही सारे प्रकरण को गंभीरता से लेकर डॉक्टरों पर लगे आरोपों की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच गठित कर दी। जब युवती के भाई द्वारा लगाए गए अस्पताल के डॉक्टरों पर उसकी बहन का रेप करने के आरोपों की गहनता से जांच हुई तो सारे मामले से पर्दा उठ गया। इसके अलावा CMO प्रयागराज की सहमति से पीड़ित युवती का डिफरल अस्पताल में मेडिकल लीगल टेस्ट भी कराया गया था, आज जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, यानी कि रिपोर्ट में पीड़ित युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जांच कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर वत्सा द्वारा बताया गया कि उस समय जो ऑपरेशन पूजा मदनवाल का जो ऑपरेशन किया गया, उस वक्त उस टीम में डॉक्टर्स और नर्सेस और सिस्टर मिला के 5 तो लेडीज टीम में थे और 3 जेंट्स पुलिस डॉक्टर थे और 1 वार्ड बॉय। उनका और प्लस उनके द्वारा जो जांच की गई, जांच में देखा गया कि वहाँ पर जो ओटी है वहाँ पर ट्रांसपेरेंट दरवाजे में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिससे आर पार को आसानी से देखा जा सकता है। ऐसी दशा में जब पूरी टीम में लेडीज ज़्यादा हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो कभी कोई किसी समय सडनली कभी भी जा सकता, कोई देख सकता है, ऐसी दशा में ये संभव नहीं है कि ऐसा कार्य किया गया हो। तो उन्होंने अपना निष्कर्ष में निकाला कि इस टीम में जब मौजूद थे तो ऐसा कार्य असंभव है, ऐसा कार्य नहीं किया गया है। ये उन्होंने जरूर बताया कि क्योंकि ऑपरेशन के बाद में जब बेहोशी की दवा जो उसको पास आउट करते हैं, जो रिवर्सल देते हैं, रिवर्सल के बाद उसको बेहोशी दवा देखते हैं, देखते समय कभी कभी होश गिरता है तो फिजिकल स्टिमुलेशन देते हैं। इसके साथ साथ जब उस पर स्टिच के बाद पूरे उस पर जहाँ स्टिच लगता है, जिस जहाँ पे ऑपरेशन होता है उसके आसपास को एरिया को उसको क्लीन किया जाता है, तो वहाँ पर स्टाफ नर्स थे और लेडीज डॉक्टर द्वारा उनको अवगत कराया, बताया गया कि कैथेटर पहले से पूर्व पे लगा था, उस पर चेंज करने की आवश्यकता थी क्योंकि उसके आसपास जब ऑपरेशन से पस निकाला गया, क्योंकि परफोरेशन था, पस पड़ा हुआ था, तो चारों तरफ उससे ब्लड और पस पड़े थे, उसको क्लीन करते समय वो इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए उन्होंने उसको उचित समझा कि इसको चेंज किया गया, उनके द्वारा कैथेटर चेंज किया गया। तो हो सकता है जो एक मरीज अर्धचेतना अवस्था में रहता है, उसी के रिवर्सल के टाइम पे उसको उन्होंने गलत समझ लिया हो, जबकि वो पूरी प्रक्रिया में हमारे लेडीज डॉक्टर और स्टाफ नर्स उसमें मौजूद थी। ये ऑपरेशन के बाद पहले ऑपरेशन की बात की, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको उन्होंने हो सकता है परिजन के पूछने के बाद उन्होंने इस चीज को गलत समझ लिया हो, जिसको परिजनों ने उस बात को आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, भर्ती मरीज के साथ हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह ने भी पूरे मामले की छानबीन भी की थी और उन्होंने खुद जाकर ऑपरेशन थिएटर देखे। वहां से वे वार्ड में भर्ती मरीज के परिजनों से लेकर सभी डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद ही मरीज के साथ रेप होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पहले मीडिया के माध्यम से इस बात को हाईलाइट किया गया
और जबकि मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ, मेरे पास किसी किसी व्यक्ति के परिजन के लोगों किसी के द्वारा मेरे पास बात की शिकायत भी नहीं की गई उस वक्त। हाँ, मैंने उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम तो ऑपरेशन में पूरी तरह से पूरी टीम के साथ सब लोग ऑपरेशन कर रहे थे, और ऑपरेशन करने के बाद वो एनेस्थेसिस्ट टीम और जो उनके प्रेजेंस में और जो हमारे और डॉक्टर की टीम है उनके द्वारा परिजन को पोस्ट ऑपरेटिव शिफ्ट किया गया, जहां पर पोस्ट ऑपरेटिव रूम में उनके परिजन के लोग साथ में मरीज के देखने के लिए मौजूद रहते हैं। तो वहां से लेके वहां साथ साथ में सभी लोग परिजन के थे, और तो ऐसी स्थिति में जो मैंने अभी पहले छानबीन किया, ऐसे बिल्कुल असंभव है कि ऐसी घटना घटित। गौरतलब है कि पीड़ित युवती का ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टरों पर लगे आरोप सुनकर वे खुद बेहद हैरान और परेशान है कि कोई कैसे इतना गंभीर आरोप किसी डॉक्टर पर लगा सकता है, जबकि वे और उनकी टीम ऑपरेशन के बाद काफी वक्त तक वार्ड में मरीज के साथ थे और उसको मॉनिटर कर रही थे। ऑपरेशन के टाइम पर हम खुद थे, पूरा ऑपरेशन मेरे द्वारा ही किया गया है, पूरी टीम इमरजेंसी सर्जरी टीम पूरी वहाँ पे उपस्थित थी। ऑपरेशन के बाद इवन ड्रेसिंग तक सब कुछ मैंने अपने हाथ से करी है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑप रूम में शिफ्ट कराने तक हम साथ थे, उसके आधे घंटे तक हम पेशेंट के साथ थे क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे था, और उसके बाद उसके घर वालों की देखरेख में और सिस्टर जो भी वहाँ पे पोस्टेड थी उनकी देखरेख में उसे वहाँ पे छोड़ा गया था। ये जो एलिगेशन लगे हैं कितने किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है। फिलहाल इन सब दलीलों के बाद अस्पताल में जांच करने वाली टीम की जांच रिपोर्ट ने गैंगरेप के आरोपों से डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी है। उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है, यहां तक कि मरीज की मेडिकोलीगल जांच की रिपोर्ट में भी रेप किए जाने की पुष्टि नहीं होने पर अब पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। SRN अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अब इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा और डॉक्टर और मरीज के बीच के रिश्ते पर लगते हुए प्रश्न चिन्ह से जोड़कर देख रहे हैं। वे सारे मामले की निष्पक्ष न्यायिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने और दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कि हमारे मेडिकल कॉलेज के इतिहास में इस तरह का यह पहला आरोप है जो हमारी प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, और हम तो इसके लिए प्रधानाचार्य जी से भी मिल चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं। हमने कहा है कि इसकी निष्पक्ष अगर संभव हो तो मजिस्ट्रेटियल या न्यायिक जाँच कराई जाए, और यदि हम में से कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यदि कोई चिकित्सक दोषी नहीं है और ये मनगढ़ंत और झूठा आरोप लगाया गया है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी न्यायिक कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमारी प्रतिष्ठा या मान सम्मान के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले 100 बार सोचे। जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो आंतरिक जांच समिति है उसकी रिपोर्ट या जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्टें इस तरफ से इशारा कर रही हैं कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद झूठे हैं और यह सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। बहरहाल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अपने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मरीज ने डॉक्टरों पर गैंगरेप करने का संगीन आरोप लगाया है जो कि जांच में झूठा साबित हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको अपनी दूसरी खबर में दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए रेड आइकन को दबाएं और हर खबर के लिए बेल आइकन को दबाएं।